फ्रेंड्स, प्रोलिप स्टेज पे मैं संगीता बठेला आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्मा टिंडे आप सभी ने बहुत पसंद किए हैं, इसी प्रकार से आज हम एक और टिंडे की रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और काफ़ी क्रिस्पी ये टिंडे बनते हैं। बहुत ही सिंपल वे में ये टिंडे बनाएंगे हम। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल को गर्म होना रख दिया है। मैंने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, 1/2 किलो मैंने टिंडे लिए हैं। टिंडों को पील करके धो लिया है, धोने के बाद इसकी कटिंग करनी है। अगर जो मीडियम साइज का टिंडा रहता है उसमें हम 6 पीस निकालेंगे, पहले हाफ पोर्शन करेंगे और फिर 2 पीस और इस तरीके से 6 पीस हमने निकालने हैं। इस तरीके का अगर छोटा टिंडा रहता है तो हम 4 पीस निकालेंगे। 5 से 7 हरी मिर्च लेंगे और उसमें भी जीरा लगा लेंगे। हरी मिर्च में आप जब जीरा लगा लेते हैं तो इसकी 2 एडवांटेज मिलती है, एक तो मसाले जो इसके अंदर अच्छे से मर्ज हो जाते हैं, दूसरा ये मर्च ज़्यादा फटके उछलती नहीं है। ये मिर्च जो है बिल्कुल भी तीखी नहीं लगेगी टिंडों में, क्योंकि ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाती है और देखने में सब्जी का लुक भी अच्छा लगता है और खाने में ये मिर्च बहुत टेस्टी लगती है। टिंडे जब भी आप खरीदें तब ध्यान दीजिएगा, टिंडा जो है वो पका हुआ टिंडा नहीं लेना है, छोटे और मीडियम साइज के ही टिंडे को प्रेफरेंस दीजिएगा, वही टिंडे की सब्जी जो है बहुत अच्छी बनती है। यहाँ मस्टर्ड ऑयल जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। ऑयल गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हमने टिंडों को इसके अंदर डालना है। हाथ को थोड़ा बचा के डालिएगा, ऑयल हाथ पे नहीं लगे। टिंडे डालने के बाद हाई फ्लेम पे हम इसे 7 से 8 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे ताकि इन पे एक ब्राउन सी कोटिंग आ जाए और इनका जो मॉइस्चर है, टिंडे का जो पानी है वो सूख जाए। ये बीच बीच में इसे चलाना है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे इस तरीके से टिंडे जो है थोड़े श्रिंक हो गए हैं, इनका पानी जो है सूख गया है और इन पे एक ब्राउन कोटिंग भी आने शुरू हो गई है। इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अब हमने टिंडों को साइड पे करके, या तो आप चाहें तो टिंडे एक बार निकाल लीजिएगा या फिर आप इस तरीके से मुंह से आप ऑयल को बाहर निकालेंगे। इस तरह से अगर हम ऑयल शुरू में ज़्यादा लेके और टिंडों को पहले फ्राई कर लेते हैं तो टिंडे की जो प्रिपरेशन टाइम है, जिस तरह के हम टिंडे चाह रहे हैं यानी कि क्रिस्पी टिंडे जो बना रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अब हमने इसमें से ऑयल, एक्सेस ऑयल को निकाल लिया है और इसमें अब हम डालेंगे मसाले। तो मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, मेरा जो स्पून है ये वाला है, 1/2 टीस्पून ही हम लेंगे रेड चिली, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली डाली है। ग्रीन चिली अगर तीखी रहती है तो उसका तीखापन इसमें आ जाता है, इसलिए रेड चिली को हमने ध्यान से डालना है। 2 चम्मच हमने डाला है धनिया पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच आएगा। धनिया पाउडर जो है इस सब्जी को क्रिस्पी करेगा और इस टिंडो को जल्दी सुखाएगा। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे लिड से ढक के 5 से 7 मिनट के लिए और कुक करेंगे। लिड लगा के 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसे कुक करना है। बीच बीच में हम इसे चलाएंगे ताकि जो टिंडे हैं वो मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें और मसाले के साथ अच्छे से कुक हो जाए। बहुत प्यारा सा इसका कलर आ गया है, टिंडे भी हमारे कुक हो गए हैं, मसाले भी अच्छे से मर्ज हो गए हैं। तो इस स्टेज पे गैस को हम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इन टिंडे को आप चाहे रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब अगर आपको और क्रिस्पी टिंडे खाने हैं तो इसे 2 से 4 मिनट के लिए और कुक कर लीजिएगा, तो वो टिंडे भी बहुत अच्छे बनते हैं। आज की टिंडे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टफ टिंडे की रेसिपी को भी जरूर से देख के ट्राई कीजिएगा, दोनों ही रेसिपियां अपने आप में बहुत ही टेस्टी हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंटेंट अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं फिर से मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।